नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशनल न्यूज़। और इस एजुकेशनल न्यूज़ में हम बात करने वाले मगध यूनिवर्सिटी रिलेटेड कुछ अपडेट को लेकर के, बहुत बड़ी अपडेट है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पे हम बात करें बीएड के उन स्टूडेंटों के लिए जो दोस्तों फेल हो चुके थे किसी कारण से, और उसका एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पर भरा रहा था। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका जो एग्जामिनेशन फॉर्म भराने का जो तिथि था दोस्तों, इस तरह से था, 4 तारीख से स्टार्ट था। इसी वीडियो मैंने बनाया है ऑलरेडी पहले ही, अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप उस वीडियो को कम्प्लीट देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिना विलंब शुल्क के साथ 4 तारीख से स्टार्ट होता है, 10 तारीख तक इस फॉर्म को फिलअप करना था, और अगर विलंब शुल्क लगता तो 11 से लेकर के 14 तक था। और यहाँ पे जो आपका देखिए लास्ट डेट अगर देखिए तो मुख्यालय में अगर आप जाकर जमा करते हैं तो 15 तारीख का था, ठीक है। इसी को लेकर कुछ अपडेट है हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर जो तिथि है दोस्तों वो बढ़ाई गई, और कब तक बढ़ाई गई ये हम आपको पेपर का आर्टिकल दिखा रहे हैं पूरा क्लियरली, तो आपको रीड नहीं हो रहा होगा लेकिन मैं आपको रीड करके पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा, इन्फॉर्मेशन रियल रहेगा। ओके, देखिए जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, बीएड का परिचय फॉर्म 19 तक जमा करें, मगध विश्वविद्यालय बोध गया, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको इन्फॉर्मेशन दिया उसकी तरफ से नोटिफिकेशन पेपर का आर्टिकल आपको हम यहाँ पे रीड करवा रहे हैं। आपका क्या है यहाँ पे देखिए लिखा गया, मगध विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने बीएड के परिचय फॉर्म जमा करने की तिथि जारी कर दिया है। इसके तहत बीएड रेगुलर प्रथम वर्ष 2015 से 2017 असफल छात्रों के लिए एवं प्रथम वर्ष 2017 से 2019 के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि जारी की गई है। दोस्तों इससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले बना चुका हूं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हो। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं, इसमें बोला गया है कि विश्वविद्यालय मुख्यालय में 20 सितंबर तक फॉर्म जमा करने हैं, और देख सकते हैं 15 तारीख तक आप लास्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप इस आर्टिकल को अगर रीड करना चाहते हैं अपने से, तो मेरे से व्हाट्सअप पर कंसल्ट कीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। हो सकता है थोड़ा सा लेट से प्रोवाइड कराएं, लेकिन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। देखिए अभी ये पेपर का आर्टिकल में आया हुआ है, और सबसे पहले हम आपको अपने चैनल ASR SSC गुरु यूट्यूब चैनल में बता रहे हैं दोस्तों, और कुछ ही दिनों बाद आपका डायरेक्टली यहां पे ऑफिशियली साइट पे अपडेट हो जाएगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये पेपर का आर्टिकल है और ये फेक नहीं है, ये रियल ही है दोस्तों। मैंने इससे रिलेटेड पहले ही बात किया था छात्र संघ के नेता जो है नवलेश मिश्रा जी, उनसे मैंने बात किया था, और उन्होंने बोला था कि इस पर अभी बात चल रही बढ़ाने को लेकर के तिथि, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है, और अगर हम इसमें लास्ट डेट अगर माने तो 26 सितंबर तक है, आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी जाके जमा कर सकते हैं या 23 सितंबर तक, और 19 तक आप अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं, जिसका डेट था दोस्तों पहले कितना था, 14 तारीख तक था, लेकिन अब आपका यहाँ पर कुछ दिन बढ़ाया गया है, ठीक है। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा कि बीएड में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कितना पैसा लगता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को पैसा का पता नहीं होता, इस कारण से वो बीएड करने के बारे में सोचते तो हैं लेकिन कन्फ्यूज रहते हैं यार कितना पैसा लग रहा है नहीं लग रहा है, उस चीज़ को लेकर के माइंड में पूरा कन्फ्यूजन चलते रहता है, इस कारण से वो बीएड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे कि अगर आप मगध यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपको कितना पैसा लगेगा, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे ऑफिशियली साइट ASR SSC.com पर विजिट कर लीजिए, वहाँ पर भी हमने आपके लिए लगातार अपडेट कर दिया है बीएड से रिलेटेड। ओके, धन्यवाद दोस्तों।